Hi friends, and welcome to the best Hindu editorial analysis of 26 December. You are watching Aditya247's YouTube channel and I am Saurabh Day. तो भाई इंग्लिश वर्जन का जो वीडियो है आज के द बेस्ट द हिंदू एडिटोरियल वीडियो का वो ऑलरेडी देखिए आ चुका है और अब बारी है कि हम लोग यहाँ पर लाइव सेशन करें द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के हिंदी वर्जन का। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग नोट कर लें और जितने भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे ये बात शेयर भी कर लें कि जो भी देखना चाहते हैं और इनफैक्ट अपने फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हैं, वेदर द एग्जाम भले ही वो UPSC का एग्जाम दे रहे हो या IBPS का एग्जाम दे रहे हो या SSC का एग्जाम दे रहे हो या CLAT का एग्जाम दे रहे हो, तो वो देख सकते हैं द हिंदू द बेस्ट हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस का 26 दिसंबर का यहां पर डेली, इनफैक्ट कह सकते हैं जब जो भी उनको बेस्ट देखना हो हिंदू एडिटोरियल का तो वो देख सकते हैं 7 से 8 बजे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। सो आई होप गाइस दैट ऑल ऑफ यू आर रेडी विद मी। कम ऑन, आर यू रेडी पीपल? कैन वी स्टार्ट द एनालिसिस? ओके, देखो भाई होगा ये कि सबसे पहले तो हमारे पास जो PPT है हम लोग उसमें कोड देखेंगे और उसके बाद जो आगे की प्रोसीडिंग्स है वो मैं आपको इन्फॉर्म करते हुए जाऊंगा और हम लोग साथ में आज एंजॉय करते हुए हिंदू एडिटोरियल को यहां सीखेंगे एक बार फिर से। तो कैन वी हैव द PPT प्लीज? ओके, तो देखिए जो PPT है इसमें आज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है वो लिखी हुई है, एम हाई वर्क हार्ड एंड लव योर फैमिली। तो देखिए जिंदगी में कुछ भी बनने के लिए, जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो एम हो लाइफ में वो बहुत हाई होना चाहिए। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, सो ऑलवेज एम हाई। अब सिर्फ एम करके तो काम चलेगा नहीं। अब मान लेते हैं कोई तीरंदाज है, ठीक है भाई, अगर बस वो तीर को जो है ऐसे मान लेते हैं वो एम लगा रहा है, जब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं, जब तक वो उस बेसिकली टारगेट को हिट नहीं करेगा तब तक तो काम चलेगा नहीं। सो इन ऑर्डर टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइफ, इन ऑर्डर टू बिकम वॉट एवर यू वॉन्ट टू लाइफ, यू हैव टू वर्क हार्ड। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग उस हार्ड वर्क में अपने फैमिली को भूल जाते हैं जो कि उनके साथ साथ वो उनका सपना जी रहे होते हैं, उनके साथ साथ सक्सेसफुल हो रहे होते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू विल अचीव व्हाट यू वांट इन लाइफ, योर फैमिली विल बी द फर्स्ट पीपल हु विल सेलिब्रेट विद यू। सो ऑलवेज एम हाई एंड वर्क हार्ड एंड यस लव योर फैमिली एज वेल। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा कोट। अब हम लोग चलते हैं देखने के लिए कि जो ओवरऑल व्यू है आज कौन कौन से हिंदू के आर्टिकल्स हमारे पास हैं जिनको कि हम लोग यहां पर रिव्यू कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ लुक एट द रिव्यू राइट नाउ। न्यूज़पेपर प्लीज। ओके, न्यूज़पेपर नॉट द क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन रेडी रखिए जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, देन वी कम टू द क्वेश्चंस। ओके, तो देखो आज जो मेन आर्टिकल है जिसमें हम लोग बहुत ही थोरो डिस्कशन करने वाले हैं वो है दिस ईयर ऑन जेरूसलेम। अब ये जो आर्टिकल है ये किस टॉपिक के ऊपर है ये जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जो भी लोग करंट अफेयर्स से बाकी काफी वाकिफ हैं, जो भी लोग न्यूज देखते हैं उनको पता होगा इस आर्टिकल के बारे में। अच्छा, हम चाहेंगे कि अगर ऐसा हो जाए कि हम न्यूज़पेपर को शो करें और साथ ही में कहीं हम साथ में दिख जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, कैन प्लीज डू दैट प्लीज। एनीवे, चलिए, यस थैंक यू। तो देखो भाई अब हम लोग बात करते हैं यहां पर कैश एंड चर्न। ये देखो एक और पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसको हम लोग आज कवर नहीं करेंगे, बट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इज रिगार्डिंग द आरके नगर बायपोल। तो ये एक कह सकते हैं आप तमिलनाडु के इलेक्शन के रिगार्डिंग दिया हुआ एक आर्टिकल है। इट्स एन पॉलिटिकल आर्टिकल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू, बट डेफिनेटली इफ यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स तो आप देख सकते हैं इस आर्टिकल को भी। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब अ ग्लिमर ऑफ होप, ये जो आर्टिकल है देखिए ये ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है ये उनके द्वारा एक उनको डेडिकेटेड आर्टिकल है, उनको समर्पित आर्टिकल है। तो जो भी लोग ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग थोड़ा कंसर्न्ड है वो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, या जिनके लिए भी ह्यूमन राइट्स काफी इंपॉर्टेंट है उनके सब्जेक्ट में उनके फील्ड में तो वो इस आर्टिकल को जो है पढ़ सकते हैं। नाउ कमिंग डाउन ऑन द लेफ्ट, अब देखा जाए भाई तो ऑन द लेफ्ट देखा जाए तो यहां एक आर्टिकल है ऑन द लाइन, इसका नाम है। ये जो ऑन द लाइन आर्टिकल है ये एक डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग आर्टिकल है, बिकॉज ये जो आर्टिकल है देखिए ये इंडिया एंड चाइना के जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनके रिगार्डिंग है, ठीक है भाई। तो अगर आप भाई हिंदी चीनी भाई भाई में बिलीव रखते हैं या अगर आपको डिप्लोमेसी की आर्टिकल्स चाहिए या आप काफी इंटरेस्टेड है डिप्लोमेसी के रिगार्डिंग, या फिर जो भी लोग चाहते हैं कि वो UPSC का एग्जाम दे करके, सिविल सर्विस का एग्जाम दे करके, खास के फॉरेन अफेयर्स में थोड़ा अच्छा आइडिया ले लें तो ये उनके लिए एक अच्छा आर्टिकल है। नाउ मूविंग ऑन, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा लेफ्ट पे चलते हैं, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं हमारे न्यूज़पेपर के। नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस दीज थ्री आर्टिकल्स दैट वी हैव हियर। ओके,
तो here comes the newspaper, I suppose. Yes. So the rise and fall of WTO. ये एक बहुत ही important article है. It's a financial article और इसको आज हम लोग deep में cover भी यहाँ जरूर करेंगे. साथ ही में देखिए on the right दिया हुआ है tackling Maoism. अब ये जो article है, देखिए जो Maoist threat है हमारी country का जो कि CRPF लगातार face करती रहती है, the forces of our nation constantly face this domestic threat. तो ये उस domestic threat या red terror के regarding है कि कैसे tackle किया जाए इस Maoist threat को. Okay. फिर देखा जाए तो देखिए यहां पर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है. मैं चाहूंगा थोड़ा सा यहां पर फोकस कर दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा. ओके, सो पावर ऑफ द कलेक्टिव. अब ये जो पावर ऑफ द कलेक्टिव है, देखिए आप लोगों को पता होगा डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग. नाउ डोमेस्टिक वायलेंस में देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को बहुत नुकसान हो जाता है. तो ये जो पावर ऑफ द कलेक्टिव है, ये बात करेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है महिलाओं की तो वो कैसे हेल्प करता है इन फॉर वुमेन, यू नो, इन ऑर्डर टू डील विद डोमेस्टिक वायलेंस और इन ऑर्डर टू डील विद योर स्पाउस वायलेंस. तो देखिए भाई, ये वो आर्टिकल्स हैं. मैं समझता हूँ, मैं आ जाता हूँ आपके सामने स्क्रीन पर. तो देखिए, ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि आज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लेकिन जो रिव्यू वाला आर्टिकल है, अब हम लोग उसको जो है फोकस करके डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर. तो अभी तक तो आप मुझे बताइए, जो मैंने आपको ओवरऑल रिव्यू दिया वो कैसा लगा, एंड वॉट डू यू थिंक अबाउट कि आज के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन से हैं आपके हिसाब से, वो कौन से होने वाले हैं. सर शायद शांतनु को शायद कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है. शांतनु आप रीलोड कर लीजिए, शायद आपके एंड पर दिक्कत है. ओके, एनीवे चलिए अब देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं. लेट्स कम टू द न्यूज पेपर प्लीज. ओके, सो दिस ईयर ऑन जेरूसलेम. देखो भाई, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल असलियत में बात ये है कि हाल ही में यूएसए ने, अमेरिका ने क्या किया था, उन्होंने इसराइल का जो कैपिटल है बोल दिया था कि अब से इसराइल का कैपिटल जो है जेरूसलेम माना जाएगा, तेल अवीव नहीं माना जाएगा. और इसीलिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो एम्बेसी है वो तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलेम में जो है प्लेस कर देगी. अब इस बात पे बहुत ज़्यादा बवाल हुआ इंटरनेशनली, और साथ ही में देखा जाए तो उस इंटरनेशनल बवाल के साथ साथ जो है यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होना शुरू हो गई. सबसे पहले तो भाई देखो, एक रेजोल्यूशन मूव हुआ था यूएनएससी के जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशंस का, वहाँ पर जहाँ पर 14 मेंबर्स हैं जिनमें से कुछ मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स हैं, लाइक द अमेरिकन, यू नो, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, ठीक है. तो ये कुछ वहाँ पर परमानेंट मेंबर्स हैं, ब्रिटेन हो गया, तो इनके पास पावर होती है वीटो की. तो इसलिए देखा जाए तो यूएनएससी में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जब वहां पर रेजोल्यूशन आया था तो वहां पर दिक्कत यह आ गई कि यूएस ने अपनी पावर को यूज करते हुए उस वहां पर जो रेजोल्यूशन आया उसको वीटो कर दिया. अब इसको देख करके काफी गुस्सा भर गया बाकी कंट्रीज में. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने यह बोला कि भाई देखो, ऐसा है जब हम बात करेंगे जनरल असेंबली की तो वहां तो किसी के पास वीटो पावर नहीं है, तो वहां पर तो जो रेजोल्यूशन होगा तो उसमें तो भाई साफ साफ वोटिंग हो जाएगी. ये वोटिंग जो है इसलिए कराई गई थी ताकि ये दिखा पाए, दर्शा पाए कि जो अमेरिका ने डिसाइड किया है कि आपने यहां पर एम्बेसी शिफ्ट कर दी, ये फैसला बिल्कुल गलत है और इसीलिए आप इस फैसले को वापस लें. ठीक है भाई, तो चलिए अब हम लोग समझते हैं यहां पर थोड़ा सा फोकस करते हुए. तो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट पैरा ओवर हियर, फिर हम लोग थोड़ा सा और समझेंगे. ओके, मैं समझता हूँ, देखियो आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, तो आप लोग यहाँ टाइप भी कर सकते हैं. यस सर, इट्स क्लियर. आई होप गाइस दैट दिस पैरा इज क्लियर टू यू, बिकॉज अब हम लोग यहाँ समझेंगे लाइन बाय लाइन. ओके ओके माई डियर फ्रेंड्स, चलिए. नाउ When India voted on a UN General Assembly UNGA resolution last week on the status of Jerusalem, going against the wishes of the US and Israel, many observers of its foreign policy were surprised. अब देखा जाए भाई, आम तौर पर ऐसा नहीं होता है कि इंडिया कभी इसराइल के अगेंस्ट जाए या इंडिया कभी अमेरिका के अगेंस्ट जाए, लेकिन हाल ही में जब जनरल असेंबली में वोटिंग हुई थी और इंडिया ने यह बोला कि इंडिया ने जो वोट किया जिसका मतलब यह था कि अमेरिका को अपना जो फैसला उन्होंने लिया है कि जेरूसलेम को अब से वो कैप्टन मान लगे इजराइल की, ये फैसला वो वापस ले ले, इस तरह की वोट की उम्मीद नहीं की जा रही थी जो भी फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा, लेकिन इंडिया ने ऐसा फैसला ले लिया. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं. The resolution did not make a direct reference to the recent US decision to recognize Jerusalem as the capital of Israel and shift its embassy to the holy city from Tel Aviv. अब देखा जाए भाई, तो इस resolution से इंडिया ने हालांकि directly इस बात का कोई भी इजहार नहीं किया कि we want that America shifts back its embassy from Jerusalem to Tel Aviv, लेकिन हाँ, काफी चीजें यहां पर साबित हो गई और सामने जरूर आ गई. Okay, now
through the resolution adopted with 128 in favor to 9 against with 35 abstentions, the 193 member UNGA expressed deep regret over recent decisions concerning the status of Jerusalem and stressed that Jerusalem is a final status issue to be resolved through negotiations in line with relevant UN resolutions between Israel and Palestine. So, jahan tak dekho voting ki baat hai, तो वोटिंग तो देखिए कुछ ऐसी हो गई कि 128 नेशंस ने यहां पर यह बोल दिया कि भाई ऐसा है, आपको अपना फैसला वापस लेना चाहिए और जो नेगोशिएशन है दैट शुड बी देयर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन एंड दे शुड सिट टुगेदर एंड दे शुड चर्न आउट अ रेजोल्यूशन, दे शुड चर्न आउट अ सोल्यूशन विद पीसफुल वेज और साथ ही में जो टू स्टेट का सोल्यूशन है वो उनको मानना चाहिए वगैरह वगैरह. तो इस तरह की यहाँ बातें निकल करके आई और साथ ही में यूएन जनरल असेंबली ने इस बात पर बहुत ही दुख व्यक्त किया. अच्छा, यहाँ पर थोड़ी जूम की और बात चल रही है तो देख लेते हैं अगर और जूम पॉसिबल है तो, वरना हमारे कैमरामैन देखिए बहुत सक्षम है, वो आपको बिल्कुल सही चीज दिखाएंगे. बट एनीवे गाइस, ओके, तो भाई बात ये है कि यूएन जनरल असेंबली ने कहा कि भाई हमें बहुत ही शोक के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां पर जो फैसला लिया गया है, जो अमेरिका ने फैसला लिया है वो गलत है और अमेरिका को ऐसा नहीं कहना चाहिए था बिकॉज ये मामला इसराइल और पैलेस्टाइन का अंदरूनी मामला है और उनको आपस में बैठ करके शांतिपूर्वक तरीके से जो है फैसला लेना चाहिए और अपने इश्यूज को यहां पर रिजोल्व करना चाहिए. तो भाई देखिए, अब इससे ज्यादा जूम करेंगे तो ब्लर हो जाएगा, तो इसीलिए दिस इज मैक्सिमम जूम एंड आई थिंक All of you can see this clearly. ठीक है भाई, चलिए अब देखो, वैसे भी देखो ये आर्टिकल ऐसा है ना कि आपको आंखों से ज्यादा दिल से समझना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ओवर हियर इंडिया स्टैंड. अब इंडिया का क्या स्टैंड है उसकी बात कर लेते हैं यहां पर. द सरप्राइज ओवर द इंडियन वोट वॉज नॉट बिकॉज इट फेल आउट ऑफ लाइन. अच्छा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि इससे पहले कि मैं ये सेकेंड पर डिस्कस करूं, आई थिंक अब टाइम आ गया है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए. सो व्हाट डू यू से गाइस, आर यू रेडी to check out the question that we have here? Come on guys, are you ready to solve the question over here? Okay. Excuse me. So yes, lag to yahi raha hai ki log yahan par bilkul ready hain, bilkul tayyar hain. Okay, chalo bahut badhiya. Anyway, now guys, let's come down to the PPT. So can we have the PPT? Can we have the question number one, please? Okay, so here's the question number one for you. देखो, pay attention करिए और सही जवाब दीजिए, बहुत important है, मैं चाहता हूँ हर कोई सही जवाब दे. Okay, so which of the following is not true according to para one? तीन statements हैं, इनका आपको सही जवाब देना है. मैं समझता हूँ कि माहौल इतना गर्म हो गया है कि मुझे तो यहाँ पर बहुत तगड़े AC की जरूरत पड़ेगी. But anyway guys, you got 30 seconds, give me your answer. Time starts now. Hurry up people. Twenty seconds left, people. Hurry up. What's the answer? Last 10 seconds left. Hurry up, people. Bhupender Rawat, yes, analysis daily hota hai at 7 PM on the channel of the Diverse 7. Okay, so it's 5, 4, 3, 2, 1 टाइम्स अप. तो देखिए, आपके पास यहां पर तीन स्टेटमेंट्स हैं एंड यू हैव टू से दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैरा वन. ठीक है, तो नॉट ट्रू की बात हो रही है, इसको याद रखना. स्टेटमेंट ए में बोला गया है, व्हेन इंडिया वेंट फॉर द विशेस ऑफ द यूएस एंड इसराइल मेनी ऑब्जर्वर्स ऑफ इट्स फॉरन पॉलिसी वर सरप्राइज्ड. क्या पैसेज में व्हेन इंडिया वेंट फॉर द विशेस था या वेंट अगेंस्ट द विशेस था, क्या लगता है आपको? स्टेटमेंट बी में देखो दिया हुआ है, द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेक अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द रीसेंट यूएस डिसीजंस टू रिकॉग्नाइज जेरूसलेम एज द कैपिटल ऑफ इसराइल. क्या यहां पर द रेजोल्यूशन डिड नॉट मेक अ डायरेक्ट रेफरेंस दिया था या फिर डिड मेक अ डायरेक्ट रेफरेंस दिया था, क्या लगता है आपको? फिर देखो, स्टेटमेंट सी में दिया हुआ है, द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड विद 128 इन फेवर टू 9 अगेंस्ट विद 35 एब्सटेंशंस. अब आपको क्या लगता है, यहां पर 128 इन फेवर थे या 128 अगेंस्ट थे? वेल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम प्रीटी श्योर कि आप में से जितने भी लोगों ने यहां से ध्यान से मेरी बात सुनी होगी या समझी होगी या आर्टिकल पे ध्यान दिया होगा तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे यहां पर नॉट ट्रू की बात हो रही है और इसीलिए जो स्टेटमेंट ए है जिसमें दिया हुआ है, व्हेन इंडिया वेंट फॉर द विशेस ऑफ द यूएस एंड इसराइल मेनी ऑब्जर्वर्स ऑफ इट्स फॉरन पॉलिसी वर सरप्राइज्ड इज द नॉट ट्रू स्टेटमेंट एंड ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि
पैसेज में क्या दिया था? पैसेज में दिया था व्हेन इंडिया वेंट अगेंस्ट द विशेस. तो इसीलिए स्टेटमेंट ए इज नॉट ट्रू एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हु चोज ऑप्शन नंबर वन लाइक मिस्टर फोगट ओवर देयर एंड अदर एस्पिरेंट्स, यू हैव डन अ गुड जॉब बिकॉज यस इट्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए और व्हाट यू से नंबर वन ओनली ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए अब आते हैं हम वापस यहां पर जो न्यूज़पेपर है उस पर और जो आगे की बात है वो भी जान लेते हैं, वो भी कर लेते हैं. ओके वर्षा कह रही है सर आई एम लेट. वेल वर्षा देखो मैं इसलिए बोलता हूं कि आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अरेटूबर सेवन का यूट्यूब चैनल और साथ ही में जो बेल बटन है उसको भी टैप कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई शो स्टार्ट हो इमीडिएटली आप आ जाए. और याद रखिए द हिंदू द बेस्ट हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस कम्स फ्रॉम 7 to 8 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे Anyway, so India stand. अब देखो इस पर और आगे की बात करते हैं. So India stand, the surprise over the Indian vote was not because it fell out of line with the country's foreign policy, as we have known it, but because of an apparent deviation from Prime Minister Narendra Modi's new strategic thinking. Okay, तो अब देखा जाए तो जो सरप्राइज यहां पर लोग हुए, लोग यहां सरप्राइज इस बात के लिए नहीं हो गए कि इंडिया हमेशा इसराइल का साथ देता है या अमेरिका के साथ देता है तो इस बार अगेंस्ट कैसा चला गया, बल्कि लोग मेनली इस बार सरप्राइज इसलिए हुए क्योंकि देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की ना एक अलग तरह की यहां पर फॉरेन पॉलिसी बनी हुई थी और इस स्टेप को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम उस फॉरेन पॉलिसी से थोड़ा सा अलग हटके जा रहे हैं. फिर आगे समझते हैं. Much has been written on the Modi strategic doctrine, but the concept has been pithily summarized by Mr. Modi himself and explained by Foreign Secretary S. Jaishankar on earlier occasions. अब देखो यहाँ pithily एक टर्म का हमने यूज किया और मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा. देखो ये टर्म है पिथली यहां पर. अब ये जो पिथली समराइज्ड है, पिथली का मतलब होता है विद एनर्जी, विद एक्सट्रीम एनर्जी. ठीक है भाई, तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है इस पर अलग अलग यू नो एडिटोरियल्स लिखे गए हैं, इस पर अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी राय दी है, लेकिन जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है इसको बहुत ही एक्सक्लूसिवली नरेंद्र मोदी ने अपने आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप यहां पर फोकस करके बताया है और साथ ही में इसको एक्सप्लेन भी किया है एस जयशंकर ने अलग अलग टाइम पे. ठीक है भाई, अब ये फॉरेन पॉलिसी क्या है, क्या खासियत है, कैसे ये अलग है पहले के टाइम से, ये समझने के लिए हम और देखते हैं, ध्यान देते हैं. The goal is to transform India from being a balancing power to a leading power or on the international stage. So, देखो भाई वो foreign policy कुछ ऐसी है कि अब तक क्या था, अब तक India एक balancing power थी, यानी कि जिस तरफ flow जाता था India उस तरफ ही जा रही होती थी, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से अब ऐसा हो गया है कि भाई जहां leadership की requirement होगी या फिर जहां पर एक नए सिरे की requirement होगी तो India उस तरफ ही जाएगा. ठीक है भाई, तो लेकिन इस बार ऐसा लगा नहीं देखने में, बिकॉज इस बार जिस तरफ ज्यादातर कंट्रीज का फ्लो था, मेजोरिटी कंट्रीज का फ्लो था, इंडिया भी उसी तरफ जाती हुई दिखाई दी. नाउ US President Donald Trump's national security strategy released recently offers support for this aspiration of India to emerge as a leading power. मैं समझता हूँ इससे पहले कि हम लोग समझे, थोड़ा सा हम एसी का पावर थोड़ा कम कर लेते हैं बिकॉज ठंड का अचानक से ज़्यादा बढ़ गई है गर्मी कंपैरिजन में. एनीवे तो भाई अब देखा जाए तो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाल ही में अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटजी रिलीज की थी. उनकी उस सिक्योरिटी स्ट्रैटजी को देखते हुए ऐसा तय कर लिया गया था कि इंडिया को एक लीडिंग पावर के रोल में जो है, देखिए काफ़ी उनको पावर मिलने वाली है, इंडिया को एक नया रोल दिया जाएगा जिससे इंडिया वन ऑफ द लीडर्स इमर्ज करके सामने की तरफ आ सकेगी या आ पाएगी. ठीक है भाई, अब उसके आगे क्या हुआ वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर. नाउ India's Jerusalem vote can be interpreted as a continuing adherence to its traditional policy of non-alignment. अब देखो भाई, अब तक जो इंडिया की पॉलिसी होती आई है यूनाइटेड नेशंस में वो ज्यादातर ऐसी रही है कि ना तो भैया हम किसी के ज्यादा साथ में रहेंगे और ना तो ज्यादा किसी के खिलाफ में रहेंगे. तो कुछ लोगों को लग सकता है कि इस बार भी इंडिया ने कुछ वैसे ही किया और इंडिया फ्लो के साथ ही किया, इंडिया ने कुछ अलग नहीं किया. बट A more appropriate interpretation of the vote is possible within the framework of India's leading power ambitions. लेकिन देखा जाए तो अगर वो लोग देखा जाए तो थोड़ा सा और दिमाग खोल के सोचें, थोड़ा सा ओपन ब्रेन के साथ सोचें, एक नई अप्रोच के साथ सोचें, तब वो समझ पाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं है. बिकॉज इंडिया ने जो किया है, इंडिया ने लीडिंग पावर की तरफ कदम बढ़ाते हुए ही ऐसा किया है, ना कि दे वेंट विद द फ्लो. अब ऐसा कैसे है वो भी आपको समझना पड़ेगा. टू डू दैट वी नीड ऑल्सो टू सी द वोट इन कंजंक्शन विद द टू अदर वोट्स इन द रीसेंट पास्ट एट द यूएन. आप ये समझने के लिए कि कैसे इंडिया यहां पर जो है
एक लीडिंग पावर की तरफ जो है बढ़ रही है या लीडिंग पावर बन रही है, यह समझने के लिए हमें हाल ही में हुए यूएन में जो दो अलग वोट्स हैं उन पे भी ध्यान देना होगा, उनको भी देखना होगा कि इंडिया ने वहां पर कैसे वोटिंग करी थी। ठीक है भाई, तो मैं समझता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आ जाते हैं आपके सामने फुल स्क्रीन पर, बड़ा अच्छा रहेगा इफ आई कैन कम ओवर देयर। ओके थैंक यू। अब देखो मैं ये समझता हूं कि इस आर्टिकल में जितना भी फोकस करने के लिए हमारे पास था, जो भी समझने के लिए हमारे पास था, वो हम समझ चुके हैं और आपको अच्छे से आइडिया लग गया होगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में। तो अब देखो क्या करेंगे, हम लोग बात करेंगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसकी। ठीक है भाई, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और साथ ही में उसके बाद जो आज का अगला आर्टिकल है उस पर ध्यान देंगे। तो गाइज आर यू ऑल रेडी टू स्को वेल इन द सेकेंड क्वेश्चन दैट वी हैव हियर? Okay, let's take a look at the question number 2 that we have. Okay, so here's question number 2 for you. Which of the following is true according to para 2? So, देखिए once again, आपके पास यहाँ तीन statements हैं और आपको बताना है कि इन तीनों में से सत्य कौन सा है para 2 के हिसाब से previous slide के। So, you got 30 seconds. Your time starts now. Hurry up, people. seconds left, people, hurry up. Last 10 seconds left, hurry up, people. Five, four, three, two, one, टाइम्स अप। तो देखिए भाई, अगर आप सही जवाब देते जा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप सही जवाब दे रहे हैं और आपको मजा आ रहा है और आप सीख रहे हैं इस वीडियो से, तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को साथ ही में। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप शेयर जरूर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या FB ग्रुप्स हैं या टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, ताकि इस वीडियो की रीच जो है हम सब तक पहुंचा सकें और सबके साथ मिल करके इस एनालिसिस को असलियत में बेस्ट प्रूव कर सकें। ओके गाइज, सो भाई को यहां स्टेटमेंट ए ये है, इंडियाज जेरूसलेम वोट कांट बी इंटरप्रेटेड एज अ कंटिन्यूइंग अडहेरेंस टू इट्स ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ओके, क्या लगता है आपको, क्या ये ट्रू है पैसेज के हिसाब से, पैराग्राफ 2 के हिसाब से, या फिर कुछ और होना चाहिए यहां पर? नाउ स्टेटमेंट बी में देखते हैं, अ मोर एग्जेजरेशन ऑफ द वोट इज पॉसिबल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज लीडिंग पावर एम्बिशंस। तो क्या यहां पर एग्जेजरेशन सही टर्म था या फिर कुछ और होना चाहिए था यहां पर? व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या लगता है आपको? नाउ ओके, अब फिर देखा जाए, स्टेटमेंट सी दिया हुआ है, वी नीड टू ऑल्सो सी द वोट इन कंजंक्शन विद टू अदर वोट्स इन द रिसेंट पास्ट एट द UN। तो वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां ध्यान देना चाहिए था कि सही जवाब क्या होना चाहिए। कई सारे लोग देखिए यहां पर कह रहे हैं कि सर ऑप्शन 4 and 5 इज द सेम, आर द सेम। हाँ बिल्कुल सेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑप्शन 4 या 5 ही सही जवाब हो। तो बहुत सारे लोग यहां डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं और मेरी स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। एनीवे, तो भाई स्टेटमेंट ए जो है उसमें क्या दिया है, इंडियाज जेरूसलेम वोट कांट बी इंटरप्रेटेड एज अ कंटिन्यूइंग अडेरेंस टू इट्स ट्रेडिशनल पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। पैरा 2 में क्या दिया था, कैन बी इंटरप्रेटेड, यानी कि स्टेटमेंट ए नॉट ट्रू। स्टेटमेंट बी में देखो क्या दिया हुआ है, अ मोर एग्जेजरेशन ऑफ द वोट इज पॉसिबल विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ इंडियाज लीडिंग पावर एम्बिशन। पैरा में क्या दिया था, कुछ और दिया था, एग्जेजरेशन नहीं दिया था, यानी कि स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी दोनों ही गलत है माय डियर फ्रेंड्स, यानी कि ये दोनों ही नॉट ट्रू है। द पीपल, दोज पीपल लाइक आशना गुप्ता एंड अ फ्यू अदर्स लाइक तन्मय मंडल हैव चोजन ऑप्शन नंबर 3। उनका जवाब बिल्कुल सही है, बिकॉज यहां पर इन तीनों स्टेटमेंट में से ओनली सी इज द एब्सोल्यूटली करेक्ट आंसर, इज द एब्सोल्यूटली ट्रू स्टेटमेंट। तो यस, द आंसर इज नंबर 3, ओनली सी। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के दिमाग में ये जो दोनों आंसर्स थे वो अच्छे से बैठ गए होंगे, साथ ही में ये आर्टिकल भी बैठ गया होगा। जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगा ऑफलाइन के फॉर्म में, तो वहां पर हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे PDF का, एंड यू विल गेट द PDF लिंक ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल, जिससे कि देख करके, पढ़ करके आप इस आर्टिकल को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब तक कैसा लगा आपको ये आर्टिकल? ओके, कुश पांडे सर भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं, वेलकम कुश पांडे सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू विद अस। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव here for you. Alright, तो देखो भाई, इस आर्टिकल का नाम है The Rise and Fall of the WTO. अब ये WTO क्या चीज है, ये आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, कैन वी हैव द फुल फॉर्म ऑफ WTO फ्रॉम यू? बताओ भाई, कौन बता सकता है फुल फॉर्म क्या है यहां WTO का? Alright, चलिए बहुत बढ़िया।
एनीवे तो देखिए अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं बहुत ही सही पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हम लोग फोकस करते हुए इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। अच्छा, रूमी सरकार लिख रही है आज बैड लक 012, कोई बात नहीं बेटा, सिर्फ दो क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चंस तो आठ हैं, तो अगर दो गलत हो गए छह सही हो सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नॉट बैड लक। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग यहां फोकस करते हुए इस आर्टिकल को और समझते हैं। वेल डन ऑल दोज ऑफ यू हु वर एबल टू गिव द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ WTO। ऑलराइट, नाउ See, less than 25 years after the World Trade Organization or WTO was created, its future as a body overseeing multilateral trade rules is in doubt. अब देखा जाए तो भाई 25 साल भी नहीं हुए हैं WTO को बने, क्यों? क्योंकि 1995 में कह सकते हैं हम कि यहां पर संगठन हुआ था इस WTO का, और ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी सिल्वर जुबली भी नहीं बना पाया है अभी तक, लेकिन तब भी देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि आगे मामला चलेगा नहीं, और जो इसका काम था विच वॉज कि मल्टीलैटरल ट्रेड को जो है ये ध्यान में रखे या उसको ओवरसी करे, अब ऐसा लग रहा है कि ये नहीं कर पाएगा और ये खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, अब आगे समझते हैं अब ऐसा क्यों है। देखो वो दिया हुआ है, द फेलियर ऑफ द रीसेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग एट बुइनोस एयर्स इज ओनली सिप्टोमैटिक ऑफ अ डिक्लाइन इन इट्स इंपॉर्टेंस। सिप्टोमैटिक का मतलब क्या हो, ये जो वर्ड दिया है सिप्टोमैटिक, बताओ। वेल, सिम्टोमैटिक मीन्स शोइंग साइंस ऑफ, ठीक है। तो एनीवे हाल ही में एक मीटिंग हुई थी ब्यूनोस एयर में, और उस मीटिंग को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं हम कि दी एंड होने वाला है इस WTO का, बिकॉज वो बहुत ही डिजास्ट्रस मीटिंग थी, लोगों को बहुत उम्मीद थी, बिकॉज इट वॉज अ मिनिस्ट्रियल मीटिंग जहां पर अलग अलग मिनिस्टर्स मीट करने वाले थे, बट इट वॉज अ वेरी वेरी डिजास्ट्रस मीटिंग दैट हैपेंड ओवर देयर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड मोर। Too ambitious, बहुत ज्यादा ambition था क्या इसमें, यह समझना पड़ेगा हमें यहाँ पे। When the WTO was born in 1995, replacing the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), it was given a large remit overseeing the rules for a world trade. Now, it was also given powers to punish. Okay, अब इसके मैं आगे बढ़ता हूँ, लेकिन पहले मैं समझा दूँ आपको। देखो भाई, मैंने आपसे कहा था कि WTO जो है 1995 में आया था, मतलब एग्जिस्टेंस में आया था एक्सक्यूज मी, और इसने रिप्लेस किया था जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को, ठीक है। तो एक जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड नाम की चीज थी, एक यू नो कह सकते हो आप सेट ऑफ रूल्स थे, जिसको कि रिप्लेस करते हुए एज अ बॉडी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सामने निकल करके आई थी। अब ये जो बॉडी है ये 1995 में फॉर्म हुई थी, और इसका काम यही था कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको जो है ध्यान में रखा जाए, उसको समझाया जा सके, उसको ध्यान से मतलब कंट्रोल किया जा सके, ओवरसी किया जा सके। फिर आगे समझते हैं, इट वॉज ऑल्सो गिवन पावर्स टू पनिश कंट्रीज विच वायलेटेड दीज रूल्स। अगर कोई भी कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड में दादागिरी दिखाने की कोशिश करती, तो इसके पास WTO के पास पूरा पूरा अधिकार था कि ये उसकी दादागिरी को खत्म कर सके और उसके इंटरनेशनल ट्रेड को और उस कंट्री पे जो है बैन या प्रतिबंध या उसको किसी और फॉर्म में पनिश भी कर सके। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं यहां पर। येट इन वॉट मस्ट बी an unusual development in the history of international institutions, WTO has been felt by the weight of the extraordinary ambitions placed on it. अब देखा जाए भाई, लेकिन ऐसा पहली बार होगा इतिहास में कि WTO जो है कि ये एक संस्था थी, एक इंटरनेशनल ट्रेड को जो है ख्याल रखने वाली या प्रमोट करने वाली संस्था थी, तो नहीं उस पर आ जाते हैं वापस, लेट्स कनेक्ट द न्यूज़पेपर ओनली। तो भाई, तो ये ऐसी संस्था थी जिसका काम ये था कि भाई आपको इंटरनेशनल ट्रेड का ख्याल रखना है, लेकिन इतनी ज़्यादा इस पर उम्मीदें दे दी गई, इतनी ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बोझ के तले ही ये लग रहा है कि अपने आप ही बर्बाद हो जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं। As a consequence, since the late 2000s, the organization has been unable to carry out its basic task of overseeing a successful conduct of multilateral trade negotiations. अब देखा जाए भाई, सिंस द लेट 2000, दैट इज 2008 में, देखो आपको पता होगा रिसेशन आया था, रिसेशन के आसपास से देखा जाए तो काफ़ी परेशानियां यहां पर WTO की बढ़ गई, काफ़ी दिक्कतें और ज़्यादा आने लगी यहां पर WTO को। और देखा जाए भाई, ये जो परेशानियां बढ़ती चली गई, इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें यहाँ आने लगती हैं और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने लगा था WTO के लिए कि वो आराम से खुल करके अपने काम को कर सके, अपनी ड्यूटीज़ को यहाँ पर निभा सके। देन व्हाट हैपन, द रिस्क एंड डिक्लाइन हैज़ हैपेंड एवर क्विकली। तो उसके बाद देखा जाए
तो तब तो शुरुआत हुई थी प्रॉब्लम्स की, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई बल्कि और भी बढ़ती चली गई। तो गाइस आई होप कि इतना पढ़ करके इतना समझ करके आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा। और अब यहां पर बारी है कि मैं आपको एक पैराजंबल को शो करूं और उस पैराजंबल को देखने के बाद जो अगला पार्ट है इस आर्टिकल का हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो कैन वी हैव द पैराजंबल प्लीज। ओके, तो भाई देखो पैराजंबल आपके सामने आ चुका है, मेरे बगल में ही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि देखो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम एवरीबॉडी। आपको अगर ये शो पसंद आ रहा है, इफ यू आर एंजॉइंग द बेस्ट हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 26 दिसंबर, देन डू लाइक द वीडियो एंड यस शेयर जरूर करिए, बिकॉज शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, और जो शेयर होते हैं और शेयरनियां जो होती हैं वो अच्छी चीज को आपस में शेयर जरूर करती हैं, तो डू शेयर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ तो ये रहा पैराजंबल, देखो सात स्टेटमेंट्स का है। आई एम गोइंग टू गिव यू 90 seconds to solve this, to arrange this, and your 90 seconds starts now. Hurry up, people. थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट पीपल, ओ सॉरी 1 मिनट लेफ्ट, अरे आप रजत कह रहे हैं अब समझ नहीं आएगा मुझे ये, रजत कोई बात नहीं बेटा, ट्राई टू फॉर्म दे। देखो अगर दो भी आज फॉर्म कर पाते हो ना, डेली प्रैक्टिस करोगे, आज दो बनेगा, कल चार बनेगा, परसों छह बन जाएंगे, ठीक है, तो इट्स ओके, प्रोग्रेस स्टेप्स में ही होता है, बट डू ट्राई। आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, I can accept the wrong answer, but I cannot accept wrong not trying. Okay, guys? So please try. कोशिश करिए, सही हो जाएगा. Okay, now just 20 seconds left. So hurry up, people. सबको try करना बनाने में. Okay, 10 seconds for you, my dear friends. Hurry up. Five, 4, 3, 2, 1. सपना कह रही है सर ये तो बाद में है, चाहे पहले हो चाहे बाद में हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ओरिजिनली अपनी टैलेंट का यूज करते हुए उसको अरेंज करना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में जो आपको पैराजंबल मिलेगा हो सकता है आपने कभी उस पैराजंबल को देखा ही ना हो, ठीक है भाई। तो यस मैंने थोड़ा सा यहां पर सरप्राइज किया था आपके सामने, वेल लेट्स टेक अ लुक एट द आंसर नाउ। मैं उम्मीद करता हूं लोग जवाब दे चुके होंगे सही से। ओके, तो देखो भाई जो करेक्ट ऑर्डर है पहले मैच कर लो, द करेक्ट ऑर्डर इज एफ ए जी ई बी डी सी, द करेक्ट ऑर्डर माय डियर फ्रेंड्स इज एफ ए जी ई बी डी सी। अब देखो भाई ऐसा ऑर्डर क्यों बनता है ये भी हम लोग देख सकते हैं यहां पे। नाउ F is in the early 1990s, global corporations pushed the major trading powers of the time. अब कौन से देखो यहां पर क्या है, यहां पर एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, एक नया एक्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए स्टेटमेंट F जो है वो आपका पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग यहां पर द मेजर ट्रेडिंग पावर्स ऑफ द टाइम, अब किन पावर्स की बात हो रही है देखिए वो भी यहां पर शो कर रहे हैं हम लोग यहां पर, द यूएस फिर जोड़ा है कहां स्टेटमेंट ए में जान दिया है, द यूरोपियन यूनियन, जापान, कनाडा, किस काम के लिए, फॉर अ जीएटीटी अग्रीमेंट। अब ये जीएटीटी अग्रीमेंट है ये क्या करता, दैट देखो वो जुड़ा फिर जी वुड वास्टली इंक्रीज एक्सेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स कहां पर, इन फॉरेन मार्केट्स। अच्छा इसके बाद क्या हुआ वो दिया है स्टेटमेंट ई में, दे सक्सीडेड विद द 1994 मराकेश अग्रीमेंट विच वॉज सपोज टू बी अ ग्रैंड बार्गेन। अच्छा अब ऐसा क्यों है वो दिखेगा स्टेटमेंट बी में, द फार्म सब्सिडाइजर्स ऑफ द यूएस एंड ईयू अग्रीड टू ब्रिंग एग्रीकल्चर अंडर जीएटीटी रूल्स। अच्छा तो उनके बदले में उनको क्या मिला, स्टेटमेंट डी बताता है आपको, इन एक्सचेंज द Developing countries had to pay up front by reducing what? वो दिया है statement C में, import duties on manufacture, opening their markets to services
and you know and agreeing to strict protection of intellectual property rights. तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से आर्टिकल आ गया होगा, ये जो पैराजम्बल है आपने सही से फॉर्म कर लिया होगा. जिनका पूरा फॉर्म हो गया सही से, वेल वेल डन ऑल ऑफ यू. जिन्होंने ट्राई भी किया है इसको फॉर्म करने के लिए, उनके लिए भी वेल डन. कोशिश करिए, बिकॉज कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, एंड डेफिनेटली यू विल सक्सीड. चलिए भाई, अब हम लोग यहां देखते हैं, वापस आते हैं न्यूज़पेपर पे, बिकॉज जो बाकी का पार्ट है इस आर्टिकल का उसको भी समझना है. तो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. Here's the next part, my dear friends. In the early 1990s, global corporations pushed the major trading powers of the time, the US, the European Union, Japan and Canada for a GATT agreement. Okay, so bhai, 1990 ki shuruaat mein, acha isse yaad aaya, how many of you were formed, sorry not formed, how many of you were born in the early 1990s? So bhai, kitne log aise hai jinka birthday 1990 se 1993 mein hai? Come on guys, let's see. Anyway, because aap logo ke saath saath dekha jaye to yahan par ek GATT naam ka agreement tha, wo bhi form hua tha, jaise hi aap form hue the waise hi. So, अब हुआ ये कि जो ग्लोबल कॉरपोरेशंस है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उस टाइम की, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन्होंने जो मेन ट्रेडिंग पावर्स थे, जहां पर ज़्यादातर होता था इंटरनेशनल ट्रेड जो की थे, आपके तो यूएस हो गए, यूरोपियन यूनियन हो गए, या जापान हो गए, या कनाडा हो गए, इन सबको जो है यहाँ पर हेल्प लेते हुए, इन सबका इस्तेमाल करते हुए GATT का नाम का एक अग्रीमेंट उन्होंने रेडी करवा लिया. अब इस GATT अग्रीमेंट में था क्या वो समझ लेते हैं. That would vastly increase access for their products in foreign markets. अब इससे होगा ये, इन बड़ी कंपनियों ने ये GATT फॉर्म करवाया जिससे हो ये जाए कि इनको बड़ा सा मार्केट मिल जाए, ठीक है भाई. और बड़े से मार्केट मिल करके ये अपना मतलब जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो अलग अलग जगहों में, अलग अलग कंट्रीज में बेच सकें, ठीक है. They succeeded with the 1994 Marrakesh Agreement, which was supposed to be a grand bargain. अब देखा जाए भाई, तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, ये इस काम को बिल्कुल बनाने में, करने में कामयाब हो गई, क्योंकि इन्होंने 1994 में Marrakesh Agreement जो है साइन करवा लिया. और इस Marrakesh Agreement में देखा जाए तो जो आउटकम था ना, वो लायन शेयर का था, और बहुत ही बड़ा बार्गेन इन लोगों को यहां पर मिलने वाला था. नाउ व्हाई इज दैट. The farm, you know, the farm subsidizers of the US and EU agreed to bring agriculture under GATT rules. अब देखा जाए भाई, जो farm subsidizers हैं, यानी कि देखा जाए वो लोग जो कि farmers से जुड़े हुए थे या agriculture से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने ये बोल दिया ठीक है भाई, हम agriculture को भी ले आएंगे इस basically GATT के अंदर. Alright, फिर क्या हो गया ना, अब लेकिन फिर क्या करना था इन लोगों को कंपेयर इन एक्सचेंज, वेल उनको ये करना था इन एक्सचेंज, द डेवलपिंग कंट्रीज हैड टू पे अपफ्रंट बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन मैन्युफैक्चर, ओपनिंग देयर मार्केट्स टू सर्विसेज एंड अग्रीइंग टू स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. अब देखा जाए तो देखो, अब आप समझ सकते हो यहां पर नुकसान जो हुआ वो पूरा पूरा डेवलपिंग कंट्रीज का ही हुआ. ओके, अब Marrakesh अग्रीमेंट क्या है मैं आपको समझाता हूं. ओके, कुछ यहां पर देखो भाई फालतू लोग भी आ गए हैं, मुझे अनफॉर्चुनेटली इनको ब्लॉक करना पड़ेगा. देखिए, सी यू नो, प्लीज डोंट एक्ट स्टूपिडली, एल्स आई हैव टू ब्लॉक यू. आई डोंट वांट टू ब्लॉक एनीबॉडी हु वांट्स टू लर्न ओवर हियर. किसी भी लर्नर को, किसी भी सीखने वाले को, किसी भी स्टूडेंट को हम ब्लॉक करना नहीं चाहते हैं. तो इसीलिए ऐसी कुछ चीज़ें मत लिखिए या ऐसा कुछ यहाँ मत करिए जिसकी वजह से हम आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दें, बिकॉज दे आर अगेंस्ट आर ईथोस. सो डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड बिकॉज ऑफ विच वी ब्लॉक यू. एनीवे ना भाई, अब जो Marrakesh अग्रीमेंट क्या है यहाँ गुंजन पूछ रही है. देखो भाई, एक्चुअली गुंजन या नॉट एवरीबॉडी, Marrakesh अग्रीमेंट जो है ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट का जो कि डेवलपिंग कंट्रीज, सॉरी जो कि डेवलप्ड कंट्रीज और जो मेजर कंपनीज थी उनके बीच में हुई थी. इस अग्रीमेंट का इस्तेमाल करते हुए बेसिकली जो बात थी वो ये थी, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको पूरी तरीके से अब्यूज़ किया जाए और उनको बिल्कुल निचोड़ करके निकाल दिया जाए, ठीक है. बिकॉज अभी तक जो इस आर्टिकल में लिख करके हमके सामने आया है वो यही आया है कि एक तो देखा जाए कोई भी नुकसान नहीं था जो कि डेवलप्ड कंट्रीज ने फेस किया, जो सारा नुकसान था वो डेवलपिंग कंट्रीज ने ही फेस किया. अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो जो भी इंपोर्ट करती थी उन पे उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज हटानी थी,
ठीक है भाई, उनको ड्यूटी चलानी थी, साथ ही में उनको ज्यादा एक्सेस देना था बाहर की बड़ी कंपनीज को, और साथ ही में देखा जाए तो जो बाहर की बड़ी कंपनीज आ रही थी, जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज थी, उनको उन्हें इन कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को स्पेशल प्रोटेक्शन भी देना था। तो बहुत नुकसान था यहां पर जो कि डेवलपिंग नेशंस है वो। एनीवे, अब आगे देखते हैं। नाउ द मराकेश अग्रीमेंट्स ऑल्सो क्रिएटेड द न्यू डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी DSB टू एडजुकेट टू ऑन ट्रेड डिस्प्यूट्स। ओके, अब देखा जाए तो इस मराकेश अग्रीमेंट से हालांकि एक नई बॉडी बन गई, एक कोर्ट बन गई, कह सकते हैं आपका नाम था डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और इस कोर्ट का जो काम था, कोर्ट का काम यही था जो भी फाइनेंशियल ट्रेड के इश्यूज होंगे उनको देखा जाए तो इस कोर्ट में ले जाकर के सॉल्व किया जाएगा। ठीक है भाई, अच्छा अब ऐसा कैसे? Now all this would be overseen by the new WTO. और ये जो सारा ब्यौरा जो था, जो सारा काम था, वो WTO के मत्थे था। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ अब आ जाता हूँ मैं आपके सामने फुल स्क्रीन पे। अब हमारा न्यूज़पेपर का काम हो चुका है वैसे। So now it's everything about the PPT only now. तो भाई अब देखा जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ओवरऑल आइडिया था वो लग चुका होगा और आप समझ चुके होंगे कि इस आर्टिकल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वो सभी लोग जिनको कि हिंदू न्यूज़पेपर का फ्री PDF चाहिए, देखिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप परेशान ना हो। ठीक है भाई, नाउ एनीवे गाइस, वेल इट्स टाइम टू फेस द क्वेश्चन नंबर 4 एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर रेडी टू डू द सेम। सो गाइस, कैन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4? ओके, हियर इट इज फॉर यू। What is the theme of the paragraph? अब देखो ये एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन एंड यू विल हैव टू थिंक एंड यूज योर ब्रेन, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर दिस ईजिली। ओके माई डियर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर इंजॉइंग द सेशन, इफ यू आर थिंक, इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड इफ यू आर इंजॉइंग द बेस्ट सेशन, डू लाइक द वीडियो एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो बताइए, What is the theme of the paragraph? आपके सामने है 5 options. You got 30 seconds. Time starts now. Hurry up, people. Last 10 seconds, people, hurry up. Okay, now it's 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. All right. अब लोग मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज दिख रहे हैं अलग अलग ऑप्शंस को लेकर के, बिकॉज उनको किसी को 1 सही लग रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर 3 सही लग रहा है, और कुछ लोगों को यहाँ पर लग रहा है कि द रिफॉर्म्स ऑफ 1990s होना चाहिए। वेल माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स यू नो एग्जामिन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। व्हाट इज द थीम ऑफ द पैराग्राफ? ऑप्शन 1 क्या है? द एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमने इस आर्टिकल के शुरुआत में ही देखा था कि हम बात क्या कर रहे थे कि WTO जिसको बने 25 साल भी नहीं हुए है, उसको देखते हुए लग रहा है अब वो एंड हो जाएगा। यानी कि जो एक्चुअल थीम थी वो तभी डिसाइड हो चुकी थी, बाकी सब जो कहानी है वो सिर्फ बताने के लिए है कि ऐसा क्यों होने वाला है या ऐसा क्यों हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 देखिए, जो ऑप्शन 2 दिया है, द इंटायर समरी ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑप्शन का तो कोई मतलब भी नहीं निकलता है, तो इसको तो आप लगाइए ही मत। फिर ऑप्शन 3 में देखते हैं, द GATT वर्सेस द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये सत्य है कि GATT को रिप्लेस करते हुए WTA फॉर्म हुई थी 1995 में, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई घमासान नहीं दिखा हमने इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में अभी तक के आर्टिकल में। द डेवलप्ड वर्ल्ड्स अब्यूज ऑफ द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, ये सिर्फ एक पार्ट में देखने को मिला था, लेकिन ये ओवरऑल थीम हम नहीं कह सकते हैं। द रिफॉर्म्स ऑफ 1990s भी सिर्फ एक हिस्सा था, सिर्फ एक पार्ट था, ये ओवरऑल थीम नहीं था। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या समझे आप लोग? सही जवाब क्या होने वाला है? यस, रूमी सरकार हैज आंसर्ड करेक्टली, इट इज ऑप्शन नंबर 1, द एंड ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
is the suitable theme of this paragraph. तो भाई अच्छा किसी भी मुझसे पूछ रहा था कि सर अभी हम लोग थीम कैसे निकालें या टाइटल कैसे निकालें, तो देखो भाई इसका एक बहुत ही बढ़िया फंडा है. इसका फंडा यह है कि किस भी जिस भी पैराग्राफ का आपको थीम निकालना है या सूटेबल टाइटल समझना है, तो उस पैराग्राफ के शुरुआत के 5 से 6 लाइनों को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए. जो किसी भी पैराग्राफ के शुरुआत के 5 से 6 लाइनों की थीम होती है वही उस पूरे आर्टिकल की थीम होती है. ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर. नाउ इट्स टाइम फॉर समथिंग डिफरेंट. वेल देखा जाए सबसे पहले तो मैंने आपको कोट बताया जिससे कि आप मोटिवेट हो जाएं और अच्छा महसूस करें. और जो लोग भी अब तक अच्छा महसूस कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि जरा वो स्माइलीज यहां भेज करके थोड़ा सी मुस्कान यहां भेज दे, बिकॉज देखो खुशनुमा माहौल रहेगा है ना, हंसमुख माहौल रहेगा तो सीखने में और मजा आएगा. फिर देखा जाए तो हमने आपको ओवरऑल व्यू दिया, ओवरव्यू दिया उन सभी आर्टिकल्स का जो कि आज द हिंदू में प्रिंट हुए हैं. फिर देखा जाए तो हमने आपको डिटेल लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड समझाया, टॉप वर्ड भी बताए उन आर्टिकल्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे. फिर देखा जाए साथ ही साथ आपने क्वेश्चन एंड आंसर्स भी सॉल्व किए. अब बताओ इतना देखते हुए अच्छा लगा कि नहीं, पसंद आया कि नहीं वीडियो? अगर पसंद आया है तो आपको पता ही है कि लाइक बटन कैसे करना है और शेयर भी कैसे करना है. उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या लगता है कुछ और मिलेगा कि नहीं आज के इस वीडियो में. ओके, तो फिलहाल तो मुस्कानें आ रही हैं, यानी कि यस लगता है और कुछ मिलेगा. अब क्या मिलेगा वो देख लेते हैं. सो गाइज इट्स द वोकैब क्विज एंड आई होप आर यू रेडी. ओके लेट्स टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर. सो हियर्स क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज एब्सटेंशन का सिनोनिम क्या होगा इन ऑप्शंस में से, जो कि है एब्सटिनेंस, इग्नोरेंस, इंक्लूजन एंड अट्रैक्शंस. वेल यू गॉट 20 seconds, टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप पीपल. Last 10 seconds left. Hurry up, people. Okay, ab dekho, time's up. Well, it's my turn to give you an explanation of this. I forgot about, showing ki ye jo word tha, ye article mein kahan use hua tha. So please pardon me, I'm sorry about that. Main kal se ye, I'll ensure this from tomorrow, ki aap log dekh paye ki is word ka use kahan hua tha article mein. Anyway, now, abstention का जो देखो मीनिंग होता है वो होता है परहेज करना या किसी चीज को अवॉइड करना. अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग यहां पर ऑप्शन 1 और 2 में कंफ्यूज हो सकते हैं. सबसे पहले जो एक चीज का गांड बांध लो, जब हम बात करते हैं परहेज की तो अट्रैक्शन तो हरगिज नहीं होना चाहिए, ना ही होना चाहिए इंक्लूजन. तो नंबर 3 और 4 अपने आप कट जाते हैं. अब बचते हैं 1 और 2. 2 का मतलब होता है इग्नोर करना या ना देखना या ना नोटिस करना. लेकिन एब्सटेंस का मतलब क्या हुआ, यह मतलब ऐसा हो जाता है कि क्या करना, एकदम ही परहेज करना, राइट? तो इनफैक्ट वी कैन से दैट एब्सटेंशन एंड एब्सटेनेंस, ये देख लो आप लोग, इन दोनों का ओरिजिन भी सेम है, ABS से. तो दीज बोथ वर्ड, यू नो, दे आर 2 sides ऑफ द सेम कॉइन्स. हेंस दे शुड बी नो डाउट एट ऑल दैट दिस इज द एक्चुअल सिनोनिम दैट वी मस्ट यूज, एंड ऑप्शन नंबर 1 एब्सटेनेंस इज द करेक्ट आंसर. वेल डन आरती अग्रवाल, वेल डन गौरव. कुछ लोग कह रहे थे कि सर स्कोर तो आज हमारा बड़ा अनलकी जा रहा है, 0 हुआ है 2 questions में. वेल, उन सभी के पास मौका है कि अब बाकी के 6 questions में, इनफैक्ट अब बाकी के 4 questions में भी वो अपना स्कोर और भी इंप्रूव कर लें. सो ऑप्शन नंबर 1 एब्सटेनेंस करेक्ट आंसर. लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. नाउ हियर्स द क्वेश्चन नंबर 6. वेल डिविएशन का एंटोनिम क्या होगा ऑल्टरेशन, यूनिफॉर्मिटी, अबेरेशन एंड डिस्पैरिटी में से. यू गॉट 20 seconds, टाइम स्टार्ट्स नाउ, हरी अप पीपल. Last 10 seconds left, people. Okay. तो भाई यहां देखो, यहां डिविएशन का आपको एंटोनिम देना था. पहली बात तो आपको डिविएशन का मतलब पता होना चाहिए. इट मींस टू गो ऑफ कोर्स, यानी कि इट मींस टू गो ऑफ फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल. तो जो कि आम तौर पर चल रहा है या इनफैक्ट जो सही डायरेक्शन है, जो सही दिशा है, उस दिशा से भटक जाना, ठीक है? तो यह होता है डिविएशन, और टू गो अगेंस्ट व्हाट इज नॉर्मल, ठीक है? तो जो नॉर्मल चीज है उससे अलग हट जाना, ठीक है भाई? नाउ अब देखा जाए तो जब हम सिनोनिम की अगर बात करते तो ऑल्टरेशन,
aberration या disparity, ये तीनों ही प्रायवाची है similar words है deviation को देखते हुए, लेकिन हम लोग यहां बात क्या कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे antonym की, और जब बात होगी antonym की यानी कि दिशा से अलग हटने की, जब antonym की बात होगी या विलोम की बात होगी, तो that has to be option number 2, uniformity. Yes, my dear friends, जो गर्गी यहां पर कह रही हैं, गर्गी हो गई या अनुपोगट हो गई या गीत गर्म या गीत हो जाते हैं या अनु हो गई, वंस अगेन राहुल हो गए या स्नेहल हो गए, तो ये लोग सही जवाब दे रहे हैं. यूनिफॉर्मिटी इज द करेक्ट एंटोनिम ओवर हियर. कुछ लोग सिनोनिम चूज कर रहे हैं अभी भी जबकि एंटोनिम पूछा जा रहा है. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यूनिफॉर्मिटी. नाउ लेट सी द पेनल्टीमेट क्वेश्चन दैट वी हैव हियर, एंड हियर कम्स द पेनल्टीमेट क्वेश्चन. So, बताइए भाई एडजुकेट का यहां सिनोनिम क्या होगा इन ऑप्शन में से जो कि है आपके हेजिटेट या डॉज या आर्बिट्रेट या इग्नोर. वेल माय डियर फ्रेंड्स, द टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू गॉट 20 सेकंड्स. हरिया पीपल, लास्ट 10 सेकंड्स लेफ्ट, क्विकली पीपल. टाइम इज अप. ओके, सो एडजुडिकेट. देखो भाई, अब एडजुडिकेट की बात चल रही थी, आप लोगों को बताना चाहिए कि एडजुडिकेट की हम लोग बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने कहा था कि एक संस्था बनाई गई है जहां पर ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे. तो वो जो संस्था थी वो एक फाइनेंशियल ट्रेड के कोर्ट के लिए थी, ठीक है भाई, तो उस टाइप की थी संस्था. अब देखा जाए तो यहां एडजुडिकेट की बात हो रही है, हमें क्या करना है, सिनोनिम देखना है. तो हेजिटेट या डॉज या इग्नोर तो हरगिज नहीं हो सकता, बात हो रही है कोर्ट केस की, बात हो रही है स्यूइंग की, तो इसीलिए जो नंबर 3 है आर्बिट्रेट, दैट हैज टू बी द करेक्ट आंसर. और ब्रजेश कुमार, तनिमा सरकार, सपना ठाकुर, गुरु बाबा जी, रोहन पासवान जी, गीत भाई साहब वंस अगेन या मैडम जो भी है ये, वेल ऑल ऑफ यू आर गोइंग आफ्टर ऑप्शन नंबर 3. तो सभी लोग यहां पर नंबर 3 पर फायर कर रहे हैं और ये बिल्कुल सही जवाब है. वेल डन एवरीबॉडी. तो जिस तरीके से सब लोगों ने यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब दिया है, मैं चाहूंगा वैसे ही सभी लोग लास्ट क्वेश्चन का भी सही जवाब दें और कि आपके सामने है अब. ओके नाउ एनीवे, बिकॉज मैं इसलिए चाहता हूं कि आप सभी लोग सही जवाब दें, क्योंकि अंत भला तो सब भला, तो इसीलिए भाई रेमिट का एंटोनिम क्या होगा जल्दी से बताइए. यू गॉट 20 सेकंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ. हरिया पीपल, लास्ट 10 सेकंड्स पीपल, क्विकली व्हाट्स द आंसर हियर. ओके, तो भाई समय यहाँ खत्म हो चुका है. नितिन कुमार कह रहे हैं सर मेरा नाम भी ले लो. बिल्कुल भाई नितिन, आपका नाम हम कैसे हम नहीं ले सकते हैं, यू आर सच अ गुड फॉलोअर. आप बेसिकली अच्छे से हमको सब्सक्राइब करते हैं, टैप भी करते हैं बेल आइकन पे, और हमको हर जगह ज्वाइन भी करते हैं, तो बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा. नाउ रेमिट का देखिए, यहाँ एंटोनिम की बात हो रही थी. सी फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रेमिट का मीनिंग क्या होता है. रेमिट का मतलब होता है ट्रांसफर करना या पोस्ट, बेसिकली कोई चीज़ किसी को दे देना. तो यहाँ पर देखो ट्रांसफर करने की बात हो रही है, और रेमिट में अब अलग अलग ऑप्शंस क्या है, एड्रेस है, डिस्पैच है, फॉरवर्ड है, रिटेन है. देखो अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो डिस्पैच या फॉरवर्ड हम कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने की बात होती है, वो मतलब होता है रेमिट का सीधे सीधे. तो डिस्पैच या फॉरवर्ड हो सकता है, एड्रेस रिलेटेड नहीं है यहां पर, और इसीलिए देखा जाए तो एंटोनिम की जब बात होगी तो ट्रांसफर का एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा. बिल्कुल वेल डन अमरदीप, वेल डन तुषार, वेल डन नीतेश, वेल डन सुबोध, वेल डन अर्शना एंड एवरीबॉडी. सो गाइस द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर 4. अब मैं चाहूंगा कि आपके सामने आ जाता हूं, बिकॉज आज हमारे पास जो भी था इस एडिटोरियल आर्टिकल में वो कम हो गया. मुझे देख के बहुत खुशी है कि एक डिसलाइक हमारा कम हो गया है. वेल एनीवे, वैसे डिसलाइक्स बहुत कम है, और शायद कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो इस एडिटोरियल एनालिसिस में. तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि पसंद आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पसंद अभी भी नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, फूफा जीवन की जरूरत नहीं है. बताइए हमको कमेंट्स में कि हम इसमें और क्या इंप्रूवमेंट करें जिससे कि आपको ये पसंद आ जाए, ठीक है भाई. और साथ ही में जो भी लोग फूफा जी नहीं है वो जरूर शेयर करें इस पर्टिकुलर वीडियो का, ताकि अपने आपके जो भी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स हैं उन तक पहुँच करके एक वीडियो से जब व्यूज़ मिलेंगे तो हर कोई समझेगा कि हाँ जो बेस्ट हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस है वो सिर्फ एक इलीट ग्रुप के पास ही नहीं, सबके पास अवेलेबल है. तो याद रखिए कल हम लोग फिर से मिलेंगे एट 7 to 8 PM एट 7 PM ऑन द यूट्यूब चैनल 1247. टिल देन गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा केयर एंड पीस आउट.
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Adda 247. Bell icon dabaiye, Adda 247 ki sari notifications paiye. Adda 247, government job in your pocket.